तीन رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب الحوض والكوثر والتاج والمخبر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبتحي البتي التهاومي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأعمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما أمير المؤمنين سيد البسيين إمام المتقين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले कुरान मजीद और उसका तवील अरीज तरीन सूरा के जिसे सूरह बकरा कहा जाता है और उसकी ये 143 नंबर आयत के जिसे मैंने आपके सामने अपना उनवान कलाम करार दिया है कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا और हमने तुमको उम्मते वसत करार दिया है। ये खसूसियत बयान की जा रही है उस उम्मत की कि जो खैर उम्मतिन है, जो बेहतरीन उम्मत है और जिस उम्मत का ताल्लुक अल्लाह के हबीब से है, उस नबी से है कि जो खातमुन नबीन और सैयदुल मुरसलीन है, ताहा व यासीन है, उस नबी से इस उम्मत का ताल्लुक है। और उस उम्मत की तारीफ करते हुए खुदा आवाज़ दे रहा है कि हमने तुम्हें उम्मत वसत करार दिया है। अब एक बुनियादी तरीन सवाल यहाँ पे यह पैदा होता है कि आखिर वसत के माना क्या है, वसत का मफहूम क्या है, वसत कहते किस शय को है। अगर आप लुगत उठा के देखेंगे और तलाश करेंगे वसत के माना को तो आपको मिलेगा कि वसत दो तरफ के दरमियानी हिस्से को कि जिससे दोनों तरफ की मसापतें बराबर बराबर पाई जाएं, वो दरमियानी हिस्सा उसे वसत कहा जाता है। उसे वसत कहा जाता है दो किनारे हों और दोनों किनारों के दरमियान में कि जो वो दरमियानी हिस्सा कि इस किनारे से भी मसाफत उतनी ही हो, उस किनारे से भी मसाफत उतनी ही हो, तो उसे वसत कहा जाता है। अब अगर आप तफसीर देखेंगे तो तबरी ने अपनी किताब में वसत की जो तफसीर पेश की है उसके हवाले से वो कहते हैं कि मेरे नज़दीक वसत अल्लाह का इरादा ये है कि खुदा ने ये जो कहा है कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया है, तो उम्मत वसत से मुराद ये है कि ये वो उम्मत है कि जो न खाली है न मुकस्सिर है। खाली यानी गुलू करने वाली, हद से ज़्यादा आगे बढ़ा देने वाली, और मुकस्सिर उसे कहते हैं कि जो फजीलत में कमी कर दे, जो उसकी शान हो, जो उसकी आज़मत हो उससे घटा दिया जाए, इसी को कहा जाता है तकसीर। तो फरमाते हैं कि ये वो उम्मत है कि जो न मुकस्सिर है न खाली है। खाली नहीं है, किस तरह खाली नहीं है, जनाब ईसा की कौम यानी नसारा और ईसाइयों की तरह से ये खाली नहीं है कि जब वो मानने पे आए और बढ़ाने पे आए तो इतना बढ़ा दिया कि जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कहने लगे,
और ना ही यहूदियों की तरह से मुकसर हैं, तकसीर करने वाले हैं कि जब घटाने पे आए तो अंबिया को कत्ल करना शुरू किया, कुरान की आयतों को बदलना शुरू कर दिया, अल्लाह की आयतों की तकजीब करना शुरू कर दिया। तो खुदा ये बताना चाहता है कि ये वो कौम है कि जो ना इफराद का शिकार है न तफरीद का शिकार है, जो न खाली है न मुकसर है, बल्कि आलम एतदाल के ऊपर, राह एतदाल के ऊपर गामजन कौम है और गामजन उम्मत है कि जिसे उम्मत मुहम्मदी कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दे मुहम्मद वाले मुहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। हजरात, अब एक यहाँ पे एक बुनियादी सवाल फिर पैदा होता है कि खुदावंद आलम इस उम्मत को उम्मत वसत कह रहा है और मुफस्सरीन ने इस वसत की जो तफसीर की है वो आदल से की है, यानी ये वो उम्मत है कि जो अदूल है, अदल के ऊपर गामजन है, कजावत करने वाली है, इंसाफ करने वाली है, एतदाल के रास्ते को अख्तियार करने वाली उम्मत का नाम है उम्मत वसत। तो अब सवाल यह है कि ये जो उम्मत मुहम्मदी हमारे सामने है, जो तारीखों के हवाले से हम तक बातें पहुंची हैं, अगर उन तारीखों का मुतालिया किया जाए तो ये नतीजा निकालना बड़ा आसान है कि ये जितने थे सब के सब आया आदिल थे, आया सब के सब ऐसे थे कि जो रहे इत्तेदाल के ऊपर थे, आया सब के सब ऐसे थे कि जो इंसाफ करने वाले थे। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि इत्तेदाल पे चलने वाले वालों का गिरोह, अदल करने वालों का गिरोह, इंसाफ करने वालों का गिरोह बड़ा मुख्तसर थी, बड़ा मुख्तसर सा था और इनकी तादाद बड़ी कम थी कि जिन्होंने राहे इत्तेदाल को इख्तियार किया है, कि जो आदिल के लकब से मुलक्कब हुए हैं, जो इंसाफ करने वाले हैं, जो इत्तेदाल के ऊपर अमल करने वाले हैं, ये गिरोह बड़ा छोटा सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। और अल्लाह कह रहा है कि हमने इसे उम्मत वसत यानी अदल करने वाला, अब अल्लाह कह रहा है कि अगर अदल करना है, इंसाफ करना है, तो किसके दरमियान में इंसाफ करना है? खुदावंदी आलम कुरान मजीद की इसी आयत में, सूरह बकरा की 143 नंबर आयत है जिसे मैंने आपके सामने उन्होंने कलाम करा, इसी आयत में खुदा बयान कर रहा है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुमको उम्मत वसत करार दिया। क्यों करार दिया है? लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम ही लोग हो कि जो लोगों के दरमियान में शहादत देने वाले, जो तुम लोगों के दरमियान में लोगों के आमाल की, लोगों की ईमान की गवाही देने वाले हो। और फिर खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वयकून अर रसूल अलैकुम शहीदा, तुम लोगों के गवाह बनोगे और मेरा रसूल तुम्हारा गवाह बनेगा। अब यहाँ के ऊपर एक लम्हे फिक्रिया है और सोचने वाली बात है कि खुदावंद आलम ने इस उम्मत को लोगों का गवाह बनाया है, तो ये गवाही कहाँ देनी है, ये शहादत हमें कहाँ देनी है? इस शहादत का ताल्लुक दुनिया से है या इस शहादत का ताल्लुक आखिरत से है? तो अज़ीज़ाने गिरामी, तो इस दुनिया में तो कोई शहादत हमको, अगर शहादत देनी है तो अल्लाह की वहदानियत की शहादत देनी है, रसूल की रिसालत की शहादत देनी है, लोगों की शहादत नहीं देनी। इसलिए कि इस दुनिया में तो हुक्म यह है कि तुम अपने आमाल अंजाम दो, दूसरों के आमाल की फिक्र ना करो, इसलिए कि तुम जब कब्र में पहुंचेगे तो कब्र में तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल किया जाएगा, यह पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, रोजा रखा के नहीं रखा, हज किया के नहीं किया। जब तुम कब्र में पहुंचोगे ईमान के बारे में सवाल होगा, ये पूछा जाएगा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा क़िबला क्या है, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारी किताब कौन सी है, यह पूछा जाएगा। यह नहीं पूछा जाएगा कि उसकी किताब का नाम बताओ, वो किस पे ईमान रखता था यह बताओ, वो किस क़िबले का कायल था यह बताओ, वो किस नबी को रसूल मानता। नहीं, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा का कब्र के अंदर जब ईमान का सवाल होगा। पड़ोसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अहबाब के बारे में नहीं पूछा जाएगा, दोस्तों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछा, बल्कि सिर्फ हमारे बारे में सवाल किया जाएगा। और जब हम मैदान महशर में पहुंचेंगे तो जब आमाल का हिसाब लिया जाएगा तो हमसे हमारे आमाल का हिसाब होगा, दूसरे के आमाल का हिसाब नहीं होगा। बल्कि हमसे यह पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी है तो कैसी पढ़ी है, रोजा रखा कि नहीं रखा, अगर रखा है तो कैसा रखा है, हज किया कि नहीं किया, अगर किया है तो कैसा किया। यह हमसे पूछा जाएगा, किसी दूसरे के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा कि फला ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फला ने नहीं, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा। और कुरान की यह आयत कह रही है कि हमने इस उम्मत को गवाह बनाया है, लोगों का गवाह। तो इस गवाही का ताल्लुक कहां से है और कब यह गवाही इस उम्मत को देनी है और इस उम्मत से मुराद क्या है? इसी तफसीर तबरी में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये जो गवाही है हमें इस दुनिया में नहीं देनी, बल्कि मैदान महशर में देनी है।
और वो एक तवील रिवायत नकल करते हैं, एक तवील रिवायत, और मैं चाहता हूँ कि उस रिवायत को आपके सामने बयान कर दूँ, चूँकि मुझे ज़्यादा देर आप हज़रात की खिदमत में गुफ्तगू नहीं करनी, मुख्तसर से लम्हे में और मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को ख़त्म करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने का इरादा है। तो मैदान महशर की वो मंजर कशी करे, खुदा वंद आलम मैदान महशर में तमाम लोगों को जमा कर लेगा, और जब सब जमा हो जाएंगे तो अब खुदा आवाज़ देगा कि कहाँ हैं इसराफील, उन्हें बुलाया जाए, और इसराफील को बुलाया जाएगा, और फिर खुदा बंदे आलम इसराफील से सवाल करेगा, मा फअल तब अहदी, ए इसराफील बताओ तो सही, वो पैगाम वो अहद जो मैंने तुम्हारे हवाले किया था तुमने उसके साथ क्या किया। तो इसराफील जवाब देंगे कि कद बल्लग तो हूँ इला जिब्रील, कि हमने तेरे अहद को जिब्रील तक पहुँचा दिया। जिब्रील को बुलाया जाएगा, जिब्रील सामने आएंगे, सवाल होगा, जिब्रील ये बताओ क्या इसराफील ने हमारे पैगाम को हमारे अहद को तुम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। जिब्रील जवाब देंगे बेशक हम तक वो पैगाम पहुँचाया गया है। छोड़ दिया जाएगा इसराफील को, और अब जिब्रील से सवाल किया जाएगा कि जो पैगाम इसराफील ने तुम तक पहुँचा दिया था तुमने उसे रसूलों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, तुमने उसके साथ किया क्या किया। जिब्रील जवाब देंगे कि मेरे माबूद तूने जिस तक पहुंचाने के लिए कहा था, जिन अंबिया तक पहुंचाने के लिए तेरे पैगाम को और तेरे अहद को कहा था, मैंने वो पैगाम वो अहद उन तक पहुंचा दिया। तो रसूलों को बुलाया जाएगा, उनसे सवाल किया जाएगा कि तुम बताओ क्या जिब्रील ने तुम तक वो पैगाम कि जो मेरा पैगाम था कि जिसे जिब्रील को तुम तक पहुंचाना था आया, वो पैगाम तुम तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तमाम अंबिया गवाही देंगे कि बेशक हाँ वो पैगाम हम तक पहुंचा दिया गया। जिब्रील को छोड़ दिया जाएगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया, और अब रसूलों से पूछा जाएगा कि ये बताओ वो पैगाम कि जो मेरा पैगाम था कि जिसे जिब्रील ने तुम तक पहुंचाया था आया, तुमने उम्मतों तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। तमाम अंबिया गवाही देंगे बेशक हमने तेरे पैगाम को तेरी उम्मतों तक पहुंचा दिया, हमने उनको डराया भी, हमने उनकी उनको बशारत भी दी, हमने उनका इंतजार भी किया, हमने उनको जन्नत के बारे में भी बताया, हमने उनको जहन्नम के बारे में भी बताया, हमने उनको ये भी बताया कि अगर आमाले हसना अंजाम दोगे कि तुम्हें सवाब के हकदार, तुम सवाब के हकदार बनोगे, और अगर आमाले सैया अंजाम दोगे तो अजाब के हकदार बनोगे। उम्मतों को बुलाया जाएगा और खुदा उम्मतों से सवाल करेगा, ये बताओ कि तुम तक हमारे रसूलों ने, हमारे अंबिया ने, हमारे पैगंबरों ने तुम तक पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, मेरा पैगाम तुम तक इनके वसीले से पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तमाम उम्मतों में से अब दो हिस्से में ये उम्मतें बढ़ जाएंगी, कुछ कहेंगे बेशक हम तक इन रसूलों ने वो पैगाम के जो तेरा पैगाम था पहुंचाया है, तो कुछ वो भी होंगे कि जो तकजीब करने वाले होंगे कि हमारे लिए कोई डराने वाला नहीं आया, हमारे लिए कोई बशारत देने वाला नहीं आया, हम तक वो पैगाम नहीं पहुंचाया गया। जैसे ही ये तकजीब करने वाले तकजीब कह करेंगे, तमाम अंबिया मुरसलीन आवाज देंगे कि नहीं, हमारे पास गवाह मौजूद है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है। खुदा सवाल करेगा तुम्हारा गवाह कौन है कि जो गवाही दे सके कि तुमने इस पैगाम को पहुंचाया है। अंबिया जवाब देंगे उम्मत मुहम्मदिन, हमारे गवाह का नाम है उम्मत मुहम्मदी। एक सलावत पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अब इस रिवायत को सुनने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि आया उम्मत मुहम्मदी गवाही देगी अंबिया और मुरसलीन की रिसालतों का और उनकी पैगाम रसानी का, उनकी पैगामबरी का, वो गवाही देंगे कि हाँ अंबिया ने अपनी रिसालतों को पहुंचाया है, अपनी नबूवतों को पहुंचाया है, और अल्लाह के पैगाम तो हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दिया है, क्या वो गवाही देंगे, क्या इनकी ये हैसियत है, क्या इनका ये मुकाम है। पता चलता है कि इसका मतलब यह है कि उम्मत मुहम्मदी से तमाम उम्मत मुहम्मदी मुराद नहीं है, बल्कि एक खास गरोह है कि जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, जिसकी शान यह है कि वो अंबिया की पैगामबरी के गवाह हैं, वो अंबिया की रिसालतों के गवाह हैं, वो अंबिया की पैगाम रसानी के गवाह हैं। ये कौन से लोग हैं, ये कौन है कि जो पैगाम पहुँचाने वाले होंगे। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, इसका मतलब ये है कि ये खास गरोह है, ये खास गरोह है। और जब हमने तहकीक करनी शुरू की तो हमारे सामने हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक सलाम का एक कौल, اللهم صل على محمد وآل محمد, सामने आता है। आप फरमाते हैं कि अगर तुमने ये गुमान किया कि ये वो उम्मत है
कि जो उम्मत वसत है और नबी की पूरी उम्मत कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है उम्मत वसत है, तो इससे मुराद पूरी उम्मत है। अगर तुमने ये गुमान किया तो ये समझ लो कि तुमने इफ्तरा किया है, ये तुमने तोहमत लगाई है, ये तुमने इल्ज़ाम लगाया है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि इससे मुराद नहीं। इसलिए कि जब अल्लाह इनकी मुट्ठी भर खजूर के हवाले से गवाही को कबूल नहीं कर सकता, तो जिसकी गवाही मुट्ठी भर खजूर के हवाले से काबिल कबूल न हो वो क्या अंबिया की नबुवतों का गवाह बनेगा? वो क्या औलिया की रिसालतों का गवाह बनेगा? सवाल करने वाले ने सवाल किया, फर्जंद रसूल, फिर वो कौन लोग हैं कि जिन्हें उम्मत वसत कहा गया है? कहा हम अइम्मे मासूमीन हैं कि जिन्हें उम्मत वसत कहा गया है। हमारे पहले का नाम है अली जिब्न अबी तालिब। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तो ये वो हैं अंबिया। अब अजमत देखिए आज की जो तारीख है, इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में दो जुमले अर्ज करना चाहता हूँ और गुफ्तगू को अपने मंजिल तक और अपने अख्तिताम की मंजिल से करीब करना चाहता हूँ। खुदा बंदे आलम ने इसे उम्मत वसत और क्या है कि लोगों के गवाह, ये गवाही देंगे मैदान महशर में कि हाँ कौन था कि जो नबी की तस्दीक करने वाला था, कौन था कि जो नबी की तकजीब करने वाला था, कौन था कि जो अल्लाह को की वहदानियत का दिल से कायल था, कौन था कि जो अल्लाह की वहदानियत का सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहा था, हकीकतन उसके दिल में तौहीद नहीं पाई जाती थी। ये आमाल की भी गवाही देंगे, ये ईमान की भी गवाही देंगे, हर इंसान के आमाल ईमान के गवाह बनेंगे। और अजीदान गिरामी, इनकी अजमत के लिए ये काफ़ी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के आमाल के गवाह नहीं है बल्कि खुद नबी अकरम, कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि जिसने इनकी शान और इनकी अजमत को और आगे बढ़ा दिया। और कुरान आवाज दे रहा है वकाललजीना कफरू लस्तम रसूला, वो लोग के जो काफिर हैं वो कहेंगे कि आप रसूल नहीं हैं, तो खुदा आवाज देगा ए मेरे हबीब न घबराओ, ए मेरे हबीब रंजीदा होने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें रसूल नहीं मानते न माने, इनके रसूल मान लेने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, न मानने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि इनसे कह दो कुल कफा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, इनसे कह दो कि हमारी गवाही के लिए अल्लाह काफी है और वो काफी है कि जो साहिब इल्म किताब है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कुरान मजीद की आयत, ये अजमत है, ये मुकाम कि वो काफी, किसकी शहादत? इंसानों की शहादत नहीं देनी है, किसी और नबी और किसी और रसूल की शहादत नहीं देनी है, बल्कि खातिमुन नबी का गवाह बनना, खातिमुन नबीन का गवाह बनना है, सैयदुल मुरसलीन की गवाही देनी है। और ये गवाही देनी है कि हाँ ये रसूल हैं, हाँ ये अल्लाह की जानिब से आने वाले पैगंबर हैं, और उसका गवाह किसे बनाया जा रहा है? वमन इंदहु इल्मुल किताब। अब ये कौन है कि जिसकी तौसीफ इस उनवान से की जा रही है कि अल्लाह काफी है और वो काफी है कि जो साहिब इल्म किताब है। एक तरफ खुदा अपनी गवाही पेश कर रहा है तो दूसरी तरफ उस साहिब इल्म किताब की गवाही पेश कर रहा है। ये कौन है? मैंने तफसीरों को देखना शुरू किया तो साहिब तफसीर रूहुल मानी ने आवाज दी कि इस वमन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद न कोई मक्की है, न कोई मदनी है, न कोई अरबी है, न कोई अजमी है, न कोई अंसार है, न कोई महाजिर है, बल्कि इस वमन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद अलीयुन करमल्लाहु वजहू की ज़ात वाला सिफात है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस आखिरी बात, और अपनी जहमत को तमाम कर रहा हूं और इख्तिताम के मंजिल से मेरी मजलिस करीब हो रही है। अजीताने गिरामी, आप इस मर्तबे को देखिए कि ये नबी की नबूवत के गवाह, कुल कफा बिल्लाहि शहीदा, आयत का जो तसलसल है उसका सियाक और सबाक है उसको देखा जाए तो अजमत अली इब्ने अबी तालिब समझ में आती है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदा, काहे के लिए गवाही देनी है? आयत का पहला टुकड़ा वकाललजीना कफरू लस्तम मुरसला, वो नबी की रिसालत का इनकार कर रहे थे, वो नबी की नबूवत का इनकार कर रहे थे। खुदा ने आवाज दी ये वो है कि जो नबी की नबूवत की गवाह है, ये वो है कि जो रसूल की रस। दो गवाह चाहिए, एक तरफ खुदा खुद गवाह बन गया तो दूसरी तरफ अली इब्ने अबी तालिब को गवाह। अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि ये रसूल है पैगंबर है तो इससे पूछ लो, ये बताएगा तुम्हें कि ये रसूल पैगंबर है कि नहीं है, अल्लाह की जानिब से आने वाला नबी है कि नहीं है, ये बताएगा तुम्हें। और अजीजाने के नामी, अब आप देखिए पूरी कायनात में आज अशद अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है। जब से इस्लाम आया है दावत जुलाशीरा से लेकर के आज तक ये सदा फजा में गूंज रही है।
हर इंसान, हर मुसलमान दिन भर में कम से कम 5 वक्त अपनी जबान के ऊपर ये फकरा जारी करता है, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, एक तरफ पूरी उम्मत 1400 साल से लेकर के आज तक कह रही है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, तो दूसरी तरफ अली भी यही जुमला अपनी जबान से अदा कर रहे हैं, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। लेकिन इन दोनों गवाहियों में बड़ा फर्क है, ये दोनों गवाहियां बराबर नहीं है। हमारी जबान से निकलने वाला फकरा कि हम ये कहें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसकी जगह और है। लेकिन अगर अली कहें कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसका मुकाम, इसकी अजमत और है। क्यों? इसलिए कि अगर हम अपनी जबान से अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो हमारा ईमान साबित होगा, लेकिन अगर अली अपनी जबान से अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो नबूवत और रिसालत की तस्दीक होगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान-ए-गिरामी, जितनी देर मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना था अर्ज कर चुका। आज के जो हालात हैं वो हर एक के पेश नजर हैं। खुदा की कसम, इससे पहले जब भी ये तारीखें आती थी हमारे सामने और ये माह मुबारक रमजान आता था और इन अय्याम से हम करीब होते थे तो हमारा उन्वान बदल जाता था। मजलिसें होती थी, आज़ादारी की जाती थी, नफ्सुल्लाह का मातम किया जाता था, अली इब्ने अबी तालिब के लिए फर्श अज़ा बिछती थी, अज़ादार आते थे और अपने इमाम और पहले इमाम पे जी खोल के क्रिया करते थे, ताबूत उठाया जाता था, और इसलिए उठाया जाता था कि आज से पहले सन 40 हिजरी में जब ये ताबूत उठा था, जब ये जनाजा उठा था, तो शिरकत करने वाले बड़े मुख्तसर से लोग थे। शक की तारीकी में ये जनाजा उठाया गया और ये किसी, ताकि किसी को पता ना चल सके कि अली को कहाँ दफन किया गया है। यही वजह थी कि हम अली इब्ने अबी तालिब का ताबूत उठा के अपने दिल को तस्कीन पहुंचाते थे, या अली कल हम नहीं थे कि हम आपके जनाजे में शिरकत करते, तो कम से कम हम आपके ताबूत के, आपके जनाजे की शबीह ताबूत की शक्ल में बना के उठा के अपने दिल को तस्कीन करते देते हैं और अपने अहदे वफा की तजदीद करते हैं कि काश हम भी उस दिन होते तो हम इस गम में हसन हुसैन के शरीक होते, हम भी हसन हुसैन के साथ जनाजे में शिरकत करने वाले होते। लेकिन अज़ीज़ान-ए-गिरामी, हमें बहरहाल ये दर्स भी दिया गया है कि अगर मौका इंसान के पास ऐसे हालात फराहम हो जाए, मौका ना मिल पाए, तो कम से कम आंखों से दो आंसू का बहा लेना ही काफी है, हम उनके गम में शरीक हो जाएंगे। आप तसव्वुर कीजिए कि जब ये शबे आई होंगी तो वो हमारा इमाम के जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है तनहा होगा और अपने जद्द अमजद को याद करके गिरिया कर रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा। हाँ, बड़ी मुसीबत की ये रातें हैं। हाँ अजीजो, तारीख में मिलता है, मकातिल ने तहरीर किया है कि जब ये शब आई है कि जिसे शब जरबत कहा जाता है, उस दिन अली उम्मे कुलसूम के घर पे मेहमान थे। उम्मे कुलसूम कहती है कि मेरे बाबा की अजीब अजब कैफियत थी, चेहरे का रंग उतरा हुआ था, बार बार आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। इफ्तार का वक्त आया, मेरा बाबा आके दस्तरखान पे बैठ गया, मैंने इफ्तार के तौर के ऊपर एक जौ की सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और एक दूध का प्याला, बहरहाल बाप था, बेटी के दिल में बाप की मोहब्बत लाके बाप के सामने रख दिया। अब जो अली दस्तरखान पे आए और इन नेमतों पे निगाह पड़ी तो एक मरतबा उम्मे कुलसूम की तरफ देख करके आवाज देते, उम्मे कुलसूम, क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे बाबा ने एक वक्त में दो चीजों से इफ्तार किया हो? ए उम्मे कुलसूम, इनमें से एक उठा लो। बेटी थी, बाप की मोहब्बत दिल में थी, चाहा कि नमक को उठा ले। अली ने हाथों पे हाथ रख दिया, नहीं उम्मे कुलसूम, इस दूध के प्याले को उठा लो। अली की निगाह देख रही थी, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब मेरे सर पे शरबत लगाई जाएगी, मेरा कातिल गिरफ्तार करके लाया जाएगा, तो वो प्यासा होगा, ये दूध उस वक्त काम आ सकता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदावंदे आलम आपको किसी गम में न रुलाए, सब सिवाय गमे अहले बैत के। शब करीब आई, वो शब का दूसरा पहर, उम्मे कुलसूम कहती हैं कि मेरा बाबा इफ्तार करके आ गया मुसल्ले की, मुसल्ले इबादत के ऊपर, अल्लाह से राज और नयाज करने लगा। लेकिन हर थोड़ी देर के बाद अली हुजरे से बाहर निकलते थे, आसमान की तरफ देखते थे और आवाज देते थे, खुदा की कसम यही वो शब है कि जिस शब में अली की दाही खून से खिजाब होगी, यही वो शब है कि जब अली अपने खुदा से मुलाकात करेगा।
हाँ अजीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीज़ो, वो शब का दूसरा पहर कि जिस वक्त अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद में जाया करते थे, निकले घर से, अभी घर से बाहर निकलना चाहते थे तो वो मुर्गाबियाँ, वो बतेक जो पली हुई थी, उन्होंने अली की अबा के दामन को पकड़ना शुरू कर दिया। हाँ अजीज़ो, जुम्मे कुलसूम ने चाहा कि उन बतों को हटा सके, अली ने हाथों के इशारे से रोक दिया। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ये मुझे क्यों रोक रही हैं? ये जानती हैं कि अब अली जो जा रहे हैं तो अपने पांव पे वापस आने वाले नहीं हैं। घर के दरवाजे पे आए, जंजीर दर अबा से उलझ गई। अली जानते थे कि ये सब समझ रहे हैं कि अब जो अली जा रहे हैं, अली को वापस आना नसीब ना होगा। आए मस्जिद के अंदर, तारीख ने यह भी लिखा है कि वो लम्हा आया कि जब अली अभी मुसल्ले इबादत के ऊपर पहुंचे हैं और सजदे में सर रखा है, जालिम ने वो जुल्म किया कि जहर में बुझी हुई तलवार अली के सर के ऊपर पड़ी, इधर अली के सर पे सरबत लगी और उधर मुनादी ने निदा दी, कद कुतिला इब्नु अम्मिल मुस्तफा लतहद्दमत अरकानुल खुदा, लो अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, लो इब्न अम्म मुस्तफा को कत्ल कर दिया गया। हाँ अली, तो ये आवाज अली इब्न अबी तालिब के घर में पहुंची। दो बेटियां उम्मे कुलसूम और ज़ैनब तड़प गईं हसन हुसैन को आवाज़ दी, भैया जरा बाबा की खबर लो, देखो ये कैसी आवाजें आ रही हैं। हसन हुसैन दौड़ के आए, अब जो मस्जिद में पहुंचे तो क्या आलम देखा कि बाप है कि जो मस्जिद कूफा की जमीन के ऊपर अपने खून में गलता और जमीन कूफा की खाक उठा उठा के अपने सर पे डालता जा रहा है। खुदा किसी बेटे को यह मंजर न देखा है। हाँ अजीजो, नमाज पढ़ाई गई कि जो नमाज बाकी रह गई थी, नमाज मुकम्मल हुई। हसन हुसैन ने चाहा कि बाप को अपने घर की तरफ ले चले, बस आखिरी मंजर और आपकी जहमत तमाम। चाहा, एक सहारा दिया गया, एक तरफ से हसन ने सहारा दिया, एक तरफ से हुसैन ने सहारा किया। हाँ अजीजो, सोचिएगा, गौर कीजिएगा इस मरहले पे कि जब ये आवाज बुलंद हुई होगी, 18 बनी हाशिम अब्बास भी मौजूद हैं, हसन हुसैन भी मौजूद हैं, मोहम्मद हनफिया भी मौजूद हैं, बनी हाशिम का खानदान भरा हुआ है, सब पहुंच गए हैं मस्जिद के अंदर। सहारा दे करके अली को ले जाना चाहा, लेकिन अली को अपने पांव से अली अपने पांव से न चल सके, अपने पांव पे न खड़े हो सके। एक चटाई लाई गई, एक गिलीन लाया गया, लाके बिछा दिया गया, अली को उसके ऊपर लिटाया गया, लेके चलना चाहा। तो अब ये तो तारीख में नहीं है, लेकिन आप तसव्वुर की निगाह से देखिए तो महसूस कीजिएगा कि 18 बनी हाशिम, हर एक ने एक एक कोना थामा होगा, हर एक ने सहारा दिया होगा, लेके अली इब्ने अबी तालिब को चले होंगे। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज करूंगा, मौला अरे बड़े खुश नसीब हो कि कम से कम तुम्हें उठाने के लिए 18 बनी हाशिम मौजूद है। लेकिन जरा करबला के मैदान में आके देखो, एक बेटा है, एक बाप है, एक भाई है, जो जमीन करबला के ऊपर पड़ा हुआ है, अरे घोड़े तो जमीन पे आ रहा है, एक बहन है कि जो दर खैमा पे खड़ी हुई देख रही है, अरे भाई घोड़े तो जमीन के पे आया, शिमर मलून ने खंजर गले पे रखा, कत्ल करना चाहता है कि एक मर्तबा पुकारे बहन तो किसे बुखारे, उमर साथ को आवाज दिए उमर साथ, अरे मेरा माँ जाया मारा जा रहा है और तू देख रहा है। हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, आंखों का इशारा किया, बहन खैमे में वापस जाओ। इधर ज़ैनब खैमे में वापस आई और उधर एक मर्तबा आवाज बुलंद हुई, कतल कतल अल हुसैन बिकर्बला, ज़बह अल हुसैन बिकर्बला, अल्लाह लानतुल्लाह क़ौम इस्राइल सयालहुम अल्लज़ीन ज़लमू क़लबी।